देखो आज मैं चाइनीज चटनी बनाने वाली हूँ, तो उसका क्या क्या रेसिपी होगी। ये मैंने पाव किलो गोभी ली, उसको अच्छे से कूट के पानी में डाल दी, ये देखो। और ये अच्छी लाल मिर्ची चाइनीज चटनी में, और ये अरारोट का आटा, और ये अदरक लहसुन है, और अपना नमक है, और ये है कलर की डब्बी। ये सब मैं चाइनीज चटनी में डालने वाली हूँ, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। आप तो हमेशा बोलती ना, बताओ। इसमें पहले तेल डाल देंगे अच्छे से, इसके बाद में तेल अच्छा गर्म हो जाएगा। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तो अदरक लहसुन ज़्यादा नहीं है तो खाने में चटनी टेस्ट लगती है। बहुत दिन से बनाने का बनाने का पता नहीं बोलती आपको, तो आज ये बताते हैं। अदरक लहसुन अच्छे से लाल करके लाल हो जाने में आपको दिखाते लाल अच्छे का है, जिसमें अच्छी से वो आ रही है, देखो फिर लाल हो जाने में, तो देखो मैं डालने में रुकी थी वो भी पानी थोड़ा पानी आया धनिया मिला के, जो मैं अच्छी लाल मिर्ची कूटी थी ना उसको मैं भी सब डाल दूँगी। ये कम से कम 50 ग्राम मिर्ची है, पब्लिक तेज खाने बोलती है ना, उसको मैं तेज बनाना पड़ता है, फिर इसमें डाल दूँगा इस हिसाब से। आप लोग जितना नमक लगता है तो नमक में इसमें डाल दूँगा, अपने हिसाब से डालना नमक जो खारा हो जाए ना। अभी मैं इसको ढक्कन लगा के फिर आप लोगों को ये दिखाती हूँ। देखो ये आ रहा है, मैंने पाव को दो ज़्यादा जो पानी लिया, फिर इसमें मैं भूल जब इसका पानी पके मैंने पाव को थोड़ा बचा है, क्योंकि मेरे को रंगा है ना तो मेरे को ज़्यादा लगती है चटनी। इसको अच्छे से खोल के जितना अच्छा घूलेंगे ना उसको भेजती हूँ ऐसा, कलर की रखी है मेरे पास। आधा कलर मैं इसमें डालती हूँ, आधा कलर इसमें डालती हूँ, फिर कलर आ जाएगा पक जाता है। पब्ली क्या करी लाल बना के रही, चटनी लाल बना के रही, ज़्यादा लाल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए लाल लाल चटनी और इस कलर डाल दी इसमें। अब लाल कहा था भूल ही मैंने, अभी जब इसका पानी पकेगा इसमें पलटी करूँगी तो मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ। उबल चुका अच्छे से, सब डाली थी ना आपको गोभी का, क्योंकि सारा पानी उबल चुका है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अभी देखो मैं अरारोट का पानी जो उबल के रखी थी ना वो उसमें मैं इसमें इसमें मिला के अच्छे से पानी कम नहीं रहना चाहिए, मतलब खट हो जाती है एकदम चटनी। देखो माशाल्लाह तब इसको अच्छा खट पकेगा तो फिर मैं आप लोगों को पकने का दिखाती हूँ। मतलब एक नंबर टेस्टी बनी है, तेजी खुशबू आ रही है, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग चाइनीज चटनी। बनने के बाद में मैं तो गाइस देखो अभी हमारा नाश्ते के लिए तैयारी हो गई, नाश्ता बन रहा है। तो देखो आज पूरी बना रही, पूरी पूरी भाजी पूरी काट के अभी बेल के रखी मेरी बहू ने, अभी तलने को जा रही है तलने के लिए। मैं क्योंकि फिर आज अखा दिन की रूटीन आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो आया अभी हाँ सो रही है, ये तो आया सो रही है, और ये तो गिरा यहाँ बैठी आराम से, आराम से बैठी है। उसके बाद में दिखाई मैं पकड़ सो रही बची करना है। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों के साथ, हमारी आयु सोई है, और जो आज हमारे नाश्ते में पूरी बन रही भाजी बन रही
फिर दो आगे का मैं हम लोग रूटीन बताएंगे। अल्लाह बना के दिख दिख 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 अल्लाह। तो गाइस देखो आज टमाटर की चटनी बन रही है और चावल मच्छी फ्राई बनेगी। तो अभी मच्छी लाने जा रही मैं। देखो मेरी बहुत टमाटर की चटनी बन रही है। बच्चे लोग देख खिलौने से खेल रहे हैं सारे बच्चों को। देखो हीरा माया सब खेल चालू है। अभी नमाज पढ़े मगरिब की अभी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। पका के खाना भी ना आप लोग को मैं बताती हूँ कांजी कैसा बनाते टमाटर की। आपको हिरन क्या कहाँ गई थी खेलने को? अरबी पढ़ने बैठी थी। अच्छा खड़ी अरबी ना आज तुम पढ़े अरबी आए तो अलीबे पढ़े। क्या पढ़े तुम? क्या पढ़े अलंदो? ठीक है अभी बन रही है टमाटर की कांजी और चावल। अभी जा रही हूँ मैं मच्छी लेके आती हूँ फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस देखो अभी हमारी टमाटर की कांजी बन रही है। ये देखो टमाटर काट के रखे इसमें मिर्ची के अंदर मिर्ची नमक डाले मिर्ची हल्दी नमक और कोथमीर ये सब टमाटर के अंदर मिला चुके हैं। देखो इधर तेल गर्म हो रहा है। ये देखो राई डाल के देखो राई डाले और कड़ी पत्ता आइए चटकारेंगे। ये वो कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची अभी डाल रहे हैं। इसमें कड़ी पत्ता चटक रहा है। टमाटर की चटनी मच्छी फ्राई और टमाटर की कांजी और चावल बना लो कितना मस्त है खाना। और टमाटर खाना ठंडा है गर्मी चालू है ना टमाटर की चटनी खाने का ठंडा रहता पेट के रात के लिए। लेकिन टमाटर काटेंगे तो उसकी बीज निकाल देना क्योंकि उसे पतली होती है टमाटर की बीज के साथ टमाटर कांदी बनाएंगे। तो कभी टमाटर काटेंगे तो टमाटर की बीज निकाल के चटनी बनानी चटनी बनाओ या पतली कांदी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। तो कभी लगता मेरी बहू बना रही है टमाटर की चटनी। देखो नमस्ते चाय पानी पी के सब बैठे हैं। मैंने जल्दी खाना बना लो। कभी कभी लाइट भी जाती है हमारी इधर से। अभी पहले नहीं जाती थी लाइट अभी भी नया सिस्टम निकल है अभी लाइट भी जा रही है। टमाटर बजा रहे हैं अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। कभी भी बनाएंगे आप लोग मच्छी फ्राई टमाटर की कांदी चावल और एक कोई भाजी बना डालने का एक नंबर सोने पे सुहागा खाने में एक नंबर लगता है। दाल खा के इंसान बोर हो जाता है दाल कितना खाएंगे दाल बनाओ तो मच्छी खाना तलेंगे तो बोलते नहीं हम लोग को नहीं चाहिए। और टमाटर की कांदी या चटनी बनाई तो बड़े शौक से खा लेते हैं। मेरे छोटे वाले को तो बहुत पसंद है मेरे इम्तियाज को टमाटर की कांदी। मेरे दोनों बेटे लोगों को टमाटर की कांजी बहुत पसंद है। कभी भी खाते तो बड़े शौक से खाते दोनों बच्चे लोग। अरे कांजी देखो बन रही है अभी कांजी हमारी। तो अभी मच्छी लाने जा रही हूँ मैं। मच्छी लाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मिलते हैं बाद में। देखो मैंने मच्छी लेके आई इसमें मसाला लगा के रखी हूँ। ये मच्छी मैकी मच्छी है देखो इसमें काटते नहीं रहते ये अच्छी मच्छी रहती है। मेरे घर में यही खाती ज़्यादा करके काटे वाली मच्छी ने किसी को नहीं खाया दे रहा ज़्यादा के लेके आई मैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा किलो मच्छी मसाला सब लगा चुकी मैं इसमें फ्राई कर लिया मेरे को। मच्छी ला के अरे कर रही
अच्छे से मसाला लगा के रखी थी इसको मैं 10 मिनट और इसमें फ्राई करने को रख देती हूँ। रमजान में मच्छी खाए नहीं हम लोग, रमजान में कौन खाता मच्छी भी है। आज बोले मच्छी खाने का बच्चे लोग को भैया बाबा लेके आती पहला तली जा रही आप लोग को दिखाती हूँ अच्छी लगी के बाद में खाने। आज देखो मेरी मच्छी कितनी अच्छी से लाल लाल फ्राई हो चुकी है। ये देखो अभी हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया है। माशाल्लाह एक नंबर लाल लाल फ्राई हो चुकी है, देखो आप तो देख सकते हैं। और खाने में भी एकदम टेस्ट लगती है मच्छी, बैठी मच्छी कभी भी ना लाने का, ये मच्छी लाने का जो काटे नहीं रहते और खाने में भी एकदम टेस्टी लगती है। लेकिन गरम गरम खाने का मच्छी को बाद में रखेंगे ना तो ठंडी भी अच्छी लगती है। देखो फिर मिलते हैं खाना, अभी हो गई मेरी मच्छी, अभी खाना खाने में जा रहे, खाना खाने के आपको मिलती है। गाइस देखो हमारी मच्छी फ्राई हो चुकी थी, खाना भी खा लिए हम लोग, खाना खा के अभी बैठे हैं, अभी इम्तियाज आए हैं उसका रास्ता देख रहे थे। तो गाइस हमारा सब खाना पीना सब हो गया है, तो अभी हमारी दिन भर की आप लोग कैसी रहेगी आप बताओ। हम लोगों ने आज चायनी चटनी बना के मैंने आपको खाई थी, चायनी चटनी बनाई या टमाटर की काजी बनाई, मच्छी फ्राई करी, यही सब हमारी कुकिंग घर की कैसी लगी आप लोग का मेरे को बताना। और चायनी चटनी जैसी मैंने बनाई आप लोग वैसी बनाई है तो वैसी टेस्ट आएगी। और चायनी चटनी बनाई ना उसमें अच्छी लाल मिर्ची कूट के डाल वो अच्छी लगी, तो दिन हमारी कैसी चटनी लगी सब दिन भर की कुकिंग आप बताना कमेंट में, लाइक करना शेयर करना। तो हमें याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फिर आप लोग फिर से आप लोग वीडियो दिखाऊंगा। अब जरा काम करने ज़्यादा चल रहा है, अभी ठंडा पानी चालू हो गया है ना, ठंडे पानी में बिजी रहते तो अभी टाइम नहीं मिल रहा हम लोग को भी आप लोगों में। देखो बच्चे लोग भी खाना नहीं खा के बैठे हैं, नींद में आ गए, नींद आई थी लोग रात को भी ना। तो मिलते हैं गाइस अल्लाह हाफिज़।